हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो इन यस्टरडे पीरियड व्हाट यू लर्न, एक्चुअली वी हैव लर्न अबाउट द न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। इन दैट लॉ वी हैव लर्न द अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना बेटा? तो ये लॉ हमने कल पढ़ा था, इसी लॉ को लेकर यस वी हैव डिराइव्ड वन मैथमेटिकल इक्वेशन एंड दिस मैथमेटिकल इक्वेशन वी हैव डिराइव्ड इट। यस, कैन यू टेल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट इक्वेशन? यस, व्हाट इज द इक्वेशन देयर? दैट्स एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 upon r square. We have find out it, we have derived it. Actually this equation derived by using the two equation, equation number one and equation number second. How have it's obtained? According to the Newton's universal gravitation law. तो देखिए बेटा, उस ग्रेविटेशन लॉ में हमें दो टर्म्स को फोकस किया है और दो हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिला था, जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट Yes, F is directly proportional M1 into M2 and F inversely proportional 1 upon R square. चलिए अभी ये दो इक्वेशन को लेकर हमने एक फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन में थर्ड हमें मिला था, वही हम दिस इक्वेशन वी हैव कॉल्ड एज अ मैथमेटिकल यस ग्रेविटेशनल इक्वेशन, जैसे इनवर्सल दैट इज अ इनवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन हमें मिलता है, है ना? दैट इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, वहां पे हमने जी लिया था कैपिटल जी के रूप में। चलिए तो उसी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का आज हम इस पीरियड में क्या देखने जा रहे हैं बेटा, उसका यूनिट एंड वैल्यू। चलिए तो देखिए बेटा, आज के पीरियड में हम अभी फोकस करेंगे यूनिट एंड वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट दैट इज ए कैपिटल जी। चलिए अभी अपने अपने पहली फर्स्ट स्लाइड है, तो फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यस, आई हैव प्रिपेयर हियर वन स्लाइड। जैसे देखिए बेटा, अपने बुक में ये वाला पिक्चर ऑलरेडी दिया है, अभी इसी को हम यहाँ पे क्या करना है, अभी सोचना है। देखिए बेटा, यहाँ पे बताया यूज योर ब्रेन पावर। चलिए तो अभी हमें यहाँ पे आज के पीरियड में फोकस करना है किसके ऊपर, यूनिट एंड वैल्यू के ऊपर। यस ओके, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट को लेकर, जी को लेकर। चलिए इसके बारे में हम सोचते समय देखिए बेटा, अभी यहाँ पे हमें ब्रेन यूज करते हुए थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे इसके ऊपर। ठीक है, रेडी है फिर आज के पीरियड के लिए? चलिए तो आज हम देखिए बेटा, यहाँ पे हमने अपनी बुक में जो दिया है, क्या दिया है बेटा, शो द यूनिट। यूनिट यूनिट दो तरह से हम कभी भी स्टडी करते हैं, जैसे कि एसआई रूप में और सीजीएस के रूप में। जैसे एसआई होता है एमकेएस बोलते हैं इसको, सीजीएस में जैसे कि छोटा यूनिट होता है। ठीक है बेटा, तो एसआई यूनिट फाइंड आउट करना है और सीजीएस यूनिट फाइंड आउट करना है, किसको लेकर बेटा, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट को लेकर। तो इनके यूनिट कैसे मिलते हैं इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो देखिए बेटा, एसआई यूनिट ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए बेटा, यहाँ पे मैं माउस का एरो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, देखिए दिख रहा है यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे पर यूज किया मैंने पर केजी स्क्वायर, कुछ बच्चे यहाँ पे मीटर स्क्वायर केजी माइनस स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ जी वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय द वन ग्रेट साइंटिस्ट दैट इज हेनरी कैवेडिश। ठीक है बेटा, हेनरी कैवेडिश के द्वारा सर्वप्रथम यहाँ पे वैल्यू वो हमें दी वाली थी, दैट इज 6.67 इनटू द 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11। ठीक है, और उसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए अभी ये वैल्यू और ये इसका यूनिट अभी हमें कैसे मिलता है इसको हम अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हम। तो देखिए बेटा, तो आज का अपना जो एस्पेक्ट है पीरियड का, यस व्हाट इज द एस्पेक्ट हियर, इज टू लर्न द यूनिट एंड वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिट एंड वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। तो देखिए बेटा, न्यूटन्स लॉ में हमने क्या देखा था,
जैसे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में काम करने वाला जो फोर्स होता है, अप्लाइड फोर्स होता है, ठीक है, वो जो फोर्स वो क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट मासेस, जैसे कि एम वन है और एम टू है। देखिए बेटा यहाँ पे मैं कर्सर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एम वन और ये एम टू के लिए, ठीक है, और उनमें जो डिस्टेंस होता है दैट इज आर डैश देयर, ठीक है। अभी इसी को लेकर कल हमने क्या किया था बेटा, वो लॉ को समझ कर हमने यहाँ पे एक इक्वेशन डिराइव किया था, फाइंड आउट किया था इक्वेशन नंबर 3। अभी वही प्राप्त इक्वेशन हम यहाँ पे क्या करते बेटा, लिख कर उसे इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है बेटा। यहाँ पे जी कौन है, यहाँ पे यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एक कॉन्स्टेंट। तो देखिए ये कॉन्स्टेंट वैल्यू हमें यहाँ पे इसका यूनिट और वैल्यू देखना है। देखिए बेटा मैं फिर यहाँ पे रिपीट हो गया है, यूनिट और वैल्यू के लिए, किसके लिए, इस जी के लिए, यूनिवर्सल दैट इज ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट के लिए। तो आइए अभी ये जो प्राप्त इक्वेशन न्यूटन्स लॉ के द्वारा हमें मिला था, न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के अनुसार, तो इसी इक्वेशन को हम क्या करते बेटा, उसको रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करते समय देखिए बेटा इस इक्वेशन में हमें LHS और RHS जो मिल रहे हैं, तो इसी को थोड़ा सा हम ध्यान रखते हुए इसको रीअरेंज करते हैं। तो देखिए बेटा इसकी जो RHS है ना, तो हम यहाँ पे LHS में लेते हैं, जैसे कि G into the M1 M2 this is equal to the F into the R square, चलिए तो ऐसा हमें ये इक्वेशन मिलेगा। और ये जो इक्वेशन हमें मिलता है इस इक्वेशन में, एक्चुअली देखिए बेटा मैं यहाँ पे एक पेंसिल के द्वारा यहाँ पे इसको ऐसे लाइन आउट कर लेता हूँ, जैसे कि ठीक है, देखिए बेटा जी इंटू एम वन इंटू एम टू है ना बेटा, ये आर एच एस के का जो है ना, हमने यहाँ पे एल एच एस में लिया है। अभी देखिए बेटा ए है ना, इसके बाद हम इज इक्वल टू द एफ इंटू द आर स्क्वेयर। अभी ये इक्वेशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एम वन इंटू एम टू, तो इक्वेशन नंबर 2। चलिए इसको हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं। तो देखिए बेटा तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन लिख दिया है, जो कुछ फॉर्मूले में हमें ये मिला है, तो ये कौन मिले बेटा, यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी मिली, जैसे फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे फोर्स मिला है, फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो कुछ डिस्टेंस है वो, और तीसरी वाली फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे मास मिलता है। अभी ये जो फिजिकल क्वांटिटी, अभी केवल हम थोड़े देर के लिए इस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स क्या कर सकते हैं बेटा, कंसिडर करेंगे, ठीक है, अभी यूनिट कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिट फाइंड आउट करना है। किसका यूनिट फाइंड आउट करना है, एक ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट का, इस जी का, ठीक है ना। तो इस जी के यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए हमने जो प्राप्त फिजिकल क्वांटिटी मिली थी उनके यूनिट हमें यहाँ पे अभी क्या करना है, ध्यान में लेते हुए उसको कंसिडराइज करते हुए हमें ए यूनिट प्राप्त करना है। तो चलिए बेटा अब हम क्या करते हैं, जैसे कि ये जो एफ वन था है ना, एफ वन यानी कि जैसे एफ है, फोर्स है, एफ किसके लिए यूज किया है, फोर्स के लिए, फोर्स से फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन है ना। जैसे डिस्टेंस हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, आर डिस्टेंस ये फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम जैसे यूनिट किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर से। इसके बाद जैसे मास, मास फिजिकल क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये जैसे अलग अलग हमें यूनिट्स मिलते हैं इस फिजिकल क्वांटिटी के। अभी इस यूनिट को हम क्या करते हैं बेटा, अभी उसको यूज करेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले में, ठीक है, इस इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। और जैसे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यूनिट हम दो तरह से यूनिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एस आई यूनिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और सीजीएस यूनिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए बेटा फोर्स का एस आई यूनिट न्यूटन है और फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन है, ध्यान दीजिए। इस डिस्टेंस का एस आई यूनिट यहाँ पे जैसे मीटर है और सीजीएस में हम सेंटीमीटर मिलता है। जैसे मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है और सीजीएस में क्या आता है बेटा, ग्राम आता है। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, लेकिन अभी इस स्लाइड में मैंने केवल एसआई को लेकर ही कंसीडर किया है। अभी तुम अपने कागज और पेन के द्वारा ये अलग सा सीजीएस के लिए तुम लर्न कर सकते हो, ठीक है बेटा, सीजीएस के लिए बनाना है स्पेशली तुम करके देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो वहां पे हमें वो सीजीएस में
यूनिट कैसे मिलता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए, वो हमें प्राप्त यूनिट वहां पे दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे केवल मैंने बताया दोनों के लिए यहाँ पे बना सकते हैं, तो SI में लेकर हमें जैसे उसके यूनिट यहाँ पे पुटअप करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि फोर्स के लिए, फोर्स के लिए जैसे देखिए बेटा यहाँ पे मैं ये जी है, जैसे कि जी, लेकिन ये जी वाला कौन है बेटा, एक्सलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, हमने 9th में पढ़ा था, लेकिन अभी ये जी है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये जो जी हमें इसका यूनिट फाइंड आउट करते हैं, तो ये फॉर्मूला हमें मिल रहा है ना बेटा, मिल रहा है। किसके द्वारा हमने प्राप्त किया बेटा, न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए बेटा हमें यहाँ पे क्या मिला, एफ, एफ का यूनिट क्या मिला था, फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे मैं पेंसिल के द्वारा इंडिकेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जैसे मीटर से, जैसे मीटर स्क्वेयर, ये मीटर स्क्वेयर लिख दिया मैंने यहाँ पे मीटर स्क्वेयर। चलिए फिर मास है, मास किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किलोग्राम से। देखिए किलोग्राम से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं केजी। चलिए तो इसका प्राप्त यूनिट क्या मिलेगा, हमें यूनिट फाइंड आउट करना है ना, आज का एस्पेक्ट है हमारा यूनिट ग्रेविटेशन, जैसे ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट का। तो यहाँ पे यूनिट क्या मिलेगा, जैसे कि एन, एन दैट इज अ न्यूटन, मीटर, ये मीटर स्क्वेयर है यहाँ पे, देखिए बेटा मीटर स्क्वेयर, न्यूटन मीटर स्क्वेयर। अभी ये डिवाइडेड बाय, इसलिए मैं यहाँ पे पर, एक केजी है, एक केजी स्क्वेयर है बेटा, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय केजी, पर केजी, लेकिन ये टू है तो जैसे ऊपर आता है, जैसे यहाँ पे ये देखिए बेटा ये केजी, ये माइनस केजी है, जैसे ऊपर आता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, केवल दो बनेगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। जैसे ऊपर आता है तो ये दो बनेगा। तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और जैसे हम सीधा लिखते हैं तो क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे न्यूटन, ये न्यूटन, मीटर, ये मीटर, स्क्वायर, ये स्क्वायर, इनटू क्या आएगा बेटा यहाँ पे, किलोग्राम, किलोग्राम माइनस स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से यहाँ पे मिलता है ए वाला। तो इक्वेशन ये जो मिला है तो एसआई के लिए है। अभी ऐसा ही यूनिट हम सीजीएस के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सीजीएस के हमें उसके यूनिट्स वहां पे सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे इस फॉर्मूले में। अगर बेटा सिंपल सा है तो देखिए बेटा ये करके हमें देखना है, करके देखना है, कोशिश करना है, करना है, ठीक है। तो करके देखे तो सहज होगा, समझ में आ जाएगा आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं इतनी सारी, ठीक है बेटा। तो फिर बाद में हम क्या करते हैं, चलिए बेटा तो हमने यूनिट को कंसीडर किया है, अभी हमें वैल्यू क्या करनी है, प्राप्त करनी है, ठीक है। तो वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें कुछ उसके मैग्नीट्यूड्स रखने पड़ेंगे, परिणाम बोलते हैं उसको, मैग्नीट्यूड, परिमाण, परिमाण, मैग्नीट्यूड्स। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स रखने पड़ेंगे। तो देखिए बेटा फोर्स का, जैसे फोर्स इसका यूनिट है न्यूटन, उसका मैग्नीट्यूड जैसे कि एक न्यूटन, दो न्यूटन, ऐसे मैग्नीट्यूड परिमाण बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मीटर है, जैसे मीटर ये क्या बेटा यूनिट है, लेकिन अभी एक मीटर, दो मीटर, ऐसे उसके परिमाण मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि एकक, यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दी वाली नहीं, तो हम यहाँ पे एकक ऐसे कुछ वैल्यू यहाँ पे लेंगे, जैसे मास के लिए एक किलो, दो किलो, चार किलो, ऐसे, ठीक है बेटा। तो ऐसे यहाँ पे उनके मैग्नीट्यूड रख के यहाँ पे जैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए बेटा क्या मिलता है, जैसे G is equal to, that is a gravitation constant मिलता है, तो gravitation constant is nothing but that is a force, that is a force, yes, which force, that is an attracting force in between these two body, समझ में आ रहा है। जैसे कि A और B हमने पहले वाले क्लास में जो जैसे स्लाइड थी उनमें कैसे पिक्चर बताया था, वही पिक्चर को याद कीजिए यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो देखिए ये हमें यहाँ पे मिलता है। तो एक्चुअली तो हमें देखिए बेटा हमने यूनिट लर्न किया है, अभी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते समय देखिए बेटा, तो वैल्यू में हमें किसने मदद की है, जैसे देखिए बेटा अपने बुक में जो बताया था, केवल हमें यहाँ पे ओनली थिंक ऑन, जैसे डू यू नो अबाउट इट, इसके बारे में हमें तुम्हें पता है क्या, केवल ऐसा बताया, लेकिन अभी देखिए बेटा वो हमने जैसे कि उसके ऊपर सोचा, उसके ऊपर अपना खुद का ब्रेन यूज कर कर हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, अपने बुक में ये डिटेल्स नहीं दी वाले हैं, लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं तो
जैसे वो फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन डिटेल्स मन लगाकर पढ़े तो ये जरूर वहां पे समझ में आता है। चलिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन ये एग्जाम में आते हैं, इलस्ट्रेट कीजिए यस यूनिट और द वैल्यू, ठीक है बेटा, फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए बेटा, तो हम अभी वैल्यू की तरफ आते हैं, जी की वैल्यू की तरफ। जी की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें दी वाली है, किसने दी वाली है बेटा, यस दैट इज बताइए, हेनरी कैविडिश। सबसे पहले उन्होंने वह वैल्यू अपने को रिप्रेजेंट की है, दी है, ठीक है। एक्चुअली उसी वैल्यू को, दैट्स व्हाट आई हैव स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, दैट इज ए कैपिटल जी, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। वो वैल्यू कितनी बेटा, तो ये वैल्यू हमें मिलती है 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किसके लिए बेटा, एसआई के लिए। और सीजीएस में क्या होती है बेटा, तो सीजीएस में वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन यूनिट चेंज होते हैं, यूनिट चेंज होते हैं। तो सीजीएस में 6.67 इंटू द 10^-8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर, देखिए बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ग्राम यहाँ पे केजी नहीं आएगा, ग्राम आएगा, सीजीएस में है ये। चलिए तो इस तरह से, तो ये हमने उसके यूनिट भी फाइंड आउट किए हैं, लेकिन यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे एक वैल्यू ऑलरेडी दी वाली है साइंटिस्ट के द्वारा। जैसे देखिए मैथमेटिक्स में हम जैसे वहां पे एक कॉन्स्टेंट वैल्यू यूज करते पाए, वहां पे जैसे 22/7 ऐसा बोला जाता है, डेसिमल में भी वैल्यू मिलती है, उस तरह से हम वो वैल्यू को यूज करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमें ग्रेविटेशन लॉ जो पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट लेते हैं। जैसे हमने नाइन्थ में एक जी लिया था, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया था, उसकी भी वैल्यू यहाँ पे एक निश्चित है, स्टैंडर्ड है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो उसी तरह से यहाँ पे ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू भी एक स्टैंडर्ड है, प्रमाणित वैल्यू है, ठीक है। वो कितनी मिलती है बेटा, 6.67 इंटू द 10^-11 ए एस आई के लिए मिलेगी, और 6.67 इंटू द 10^-8 ए सी जी एस के लिए मिलेगी। चलिए तो ये हमें करके देखना है, तुम कागज और पेन पर जब तक ये नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक ये सही ढंग से नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा एक करके देखना है, इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं फिर बाद में हम कर सकते हैं, या अपने नोटबुक में होना चाहिए, हर एक के स्क्रीनशॉट लेना है अपने को, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखिए अपना जो एस्पेक्ट था ना, यूनिट और वैल्यू को लेकर यहाँ पे हमने वो पूरा कर लिया है। फिर अभी इसी को थोड़ा सा हमें क्या करना है बेटा, जैसे अच्छी तरह से समझ में आए आने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, अभी एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे करके देखते हैं। तो इस इलस्ट्रेशन में देखिए बेटा, एक छोटा न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो देखिए बेटा, अभी इस नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, अभी हम यहाँ पे अपना न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखिए बेटा थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू, हाँ देखिए न्यूमेरिकल्स, अभी हम इसको इलस्ट्रेट करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में देखिए बेटा, मैं यहाँ पे थोड़ा पेन लेना चाहूंगा, उसके पेन के द्वारा यहाँ पे बताऊंगा। जैसे कि देखिए बेटा, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है, स्पीयर, दो स्पीयर दिए वाले, जैसे एक स्पीयर यहाँ पे एक है, यहाँ पे 40 kg मास है इसका, एक दूसरा स्पीयर यहाँ पे दिया वाला है, इसका मास यहाँ पे 50 kg है, ठीक है। और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस यहाँ पे दिया वाला है, ये डिस्टेंस यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे 20 cm अपार्ट फ्रॉम विथ ईच अदर, ठीक है बेटा, ये सर्टन डिस्टेंस यहाँ पे दिया है। एक्चुअली इसके साथ इसमें अप्लाई होने वाला फोर्स भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो कितना मिलता है बेटा यहाँ पे, दैट इज 0.1 mg वेट इस रूप में दिया है, ठीक है बेटा, मिलीग्राम में दिया है। चलिए बेटा, तो सीजीएस में मिलता है मिलीग्राम, यानी कि सीजीएस यूनिट है यहाँ पे, जैसे ये वाले जैसे ग्राम, ये भी सीजीएस, ठीक है। तो यहाँ पे किलोग्राम एक कौन है बेटा, जैसे एसआई में मिलता है, ठीक है। तो देखिए अभी इसको हम यहाँ पे सोचते हुए, अभी यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द
वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, एक वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें, यानी कि कैपिटल जी की वैल्यू हमें क्या करनी बेटा, फाइंड आउट करनी कैपिटल जी की वैल्यू। चलिए तो देखते हैं। तो देखिए कभी भी जैसे न्यूमेरिकल सम हमें आते हैं तो न्यूमेरिकल सबसे पहले देखिए बेटा उसको हमें सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल्स हमें देखिए बेटा दो मार्क्स कैरी ऑन करते हैं, है ना, न्यूमेरिकल्स एग्जाम में होते ही होते हैं, दो मार्क्स कैरी ऑन होते हैं और ये सहज है न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने। कुछ बच्चे न्यूमेरिकल्स को देख के छोड़ देते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स हमें छोड़ना नहीं, हमारा फिजिक्स अच्छा होना चाहिए तो हमें न्यूमेरिकल्स की ओर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो बच्चे न्यूमेरिकल्स सही ढंग से सॉल्व करते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं उन बच्चों का फिजिक्स बहुत ही अच्छा होता है। फिजिक्स अच्छा होने के लिए न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा अभी हम अलग अलग एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट है ना, तो इसमें हमें जैसे स्कोर करना हो तो ये फिजिक्स स्कोर करने के लिए न्यूमेरिकल्स आनी चाहिए हमें, न्यूमेरिकल्स की रुचि होनी चाहिए हमें। तो रुचि कब हो सकती है, उसको हम प्रैक्टिस करें तो ये रुचि बन सकती है। चलिए कभी भी न्यूमेरिकल्स आए तो सबसे पहले आराम से उसे दो बार रीड करो, आराम से रीड करना है, समझ लेना है उसे। और जैसे हम आराम से रीड करेंगे तो हमें सहज ढंग से पता चलेगा कि इसमें क्या दिया है, दैट्स गिवन डाटा। तो गिवन डाटा देखिए बेटा इस न्यूमेरिकल में हमें दिया है यस मास दिया है एक ऑब्जेक्ट के लिए वो 40 ग्राम किलोग्राम है, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे मास दिया है वो 15 किलोग्राम है, है ना बेटा। यहाँ पे उनमें जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, जैसे कि ये सीजीएस में है लेकिन हमें उसको एमकेएस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, एसआई में कन्वर्ट करना है। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 मीटर इज इक्वल टू 2 × 10⁻¹ मिलेगा, जैसे ये एसआई में कन्वर्ट हो गया सीजीएस का। चलिए तो इसमें फोर्स अप्लाई होने वाला फोर्स मिला है 0.1 मिलीग्राम वेट दिया है। तो ये सीजीएस में जैसे कि हम उसको हमें जैसे ग्राम में, अभी ये बहुत ही छोटा है उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 0.1 × 10⁻³ वेट बना है, मिलीग्राम में से हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। तो देखिए 10⁴ × 10�³ किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 10⁷ × 9.8 न्यूटन। चलिए देखिए बेटा ये हमें यहाँ पे मिला है। बच्चों हमने नाइन्थ में पढ़ा था रिलेशन न्यूटन्स एंड जूल को लेकर, एक रिलेशन एक फॉर्मूला एक हमें एक इक्वेशन मिला था। तो देखिए बेटा वहां पे हमें बताया था कि एक किलोग्राम वेट एक कितना होता है बेटा 9.8 न्यूटन होता है, ये याद रखना है बेटा। चलिए तो बेसिक स्टडी भूलना नहीं, बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस बहुत ही मायने रखते हैं इस न्यूमेरिकल्स में। तो देखिए बेटा हमने जो थ्योरी पढ़ी थी है ना, न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था, तो उसमें हमें जो फॉर्मूला मिला था इक्वेशन नंबर 3, जैसे कि मैथमेटिकल फॉर्मूला में जो मिला था, हमने जो डिराइव किया था, दैट्स ऑब्टेन फॉर्मूला फ्रॉम थ्योरी, वी विल टेक इट। ठीक है बेटा, अभी एक्चुअली इनमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, यहाँ पे ये देखिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी जी को LHS में लेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे उसी फॉर्मूले को, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, G इज इक्वल टू F × R² / m1 × m2। ठीक है बेटा, अभी उसके वैल्यू तो ऑलरेडी हमें गिवन डाटा में ले चुके हैं, तो वैल्यू यहाँ पे पुटअप कीजिए और जैसे वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट वैल्यू मिलेगी। अब ये जो प्रोडक्ट वैल्यू है इस वैल्यू को हमें यूनिट देना है, तो यूनिट क्या दे रहे हैं बेटा, तो ऐसा हमें यूनिट देना है जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, हमने उसको यूनिट दे दिया है। ठीक है, तो देखिए ये मिला हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पे थ्योरेटिकल यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। तो देखिए बेटा इस ढंग से हम लिखे तो अपने मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, दो मार्क्स अपने जेब में ही है लेकिन उसे ना जेब में ही रखने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, भी करना चाहिए, मेहनत हमें करनी है। ठीक है, चलिए बेटा तो मैं थोड़ा यहाँ पे मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन भी देना चाहूंगा। जैसे हमने देखिए बेटा कभी भी न्यूमेरिकल आए तो दो बार सही उसे सही ढंग से रीड करो, आराम से रीड करो। ठीक है, रीड करने के बाद देखिए बेटा जो कुछ समझ में आए तो गिवन डाटा में लिखो,
वो जो कुछ भी हमने लिख दिया है तो उसे कितना मार्क्स मिला हमें, 1/2 मिले, ठीक है बेटा। फिर हमें जो डाटा मिलता है उसी को लेकर हमने थ्योरी में जो कुछ फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख दिया तो उसे 2 मार्क्स मिलते हैं, सॉरी आधा मार्क मिलता है। अभी उस फॉर्मूले में हम गिवन जैसे कुछ जो मिले थे ना, जो मैग्नीट्यूड्स यहाँ पे दिए वाले थे तो वैल्यू मिलते थे, वो वैल्यू हमें यहाँ पे पुटअप करना है उस फॉर्मूले में, तो वैल्यू पुटअप करते तो फॉर्मूले में तो उसको आधा मार्क होता है, चलिए। और इसके बाद हमें वो कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के बाद कुछ वैल्यू मिलेगी, उसको यूनिट लिखना है, जैसे प्रोडक्ट वैल्यू और यूनिट। केवल प्रोडक्ट वैल्यू लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा और केवल यूनिट लिखने से भी मार्क्स नहीं मिलेगा, वो दोनों होने चाहिए। तो ये दोनों लिखने के बाद कितना मार्क्स मिलता है बेटा, आधा मार्क। तो ये पूरे अपने कितने मार्क्स होते हैं यहाँ पे, 2 मार्क बन जाएंगे, ठीक है। तो 2 मार्क सही ढंग से आसानी से मिलते हैं, फॉर्मूला तो हमें पता होता है, गिवन डाटा जैसे केवल न्यूमेरिकल रीड करना है, जो समझ में आए वो लिखना है, इसके लिए आधा फॉर्मूला, आधा फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना, आधा वैल्यू पुटअप करके उसके फंक्शंस प्ले करना, फंक्शंस को लेकर उसको उसकी प्रोडक्ट वैल्यू मिलाना, उसका यूनिट उसको दे देना, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमें सहज रूप से मार्क्स मिलते हैं 2 मार्क, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है और इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। कुछ बच्चे न्यूमेरिकल्स बोले तो छोड़ देते हैं, केवल थ्योरी को लेकर पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन वो अपने आने वाले कल के लिए काफी नहीं है, ठीक है बेटा। हमें सही ढंग में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें आगे बढ़ना है, वहां पे अपना अपना खुद का एक ओन का इस इमेज बनाना हो तो ये हमें बहुत ही कंपल्सरी जरूरी है इन फिजिक्स, इन फिजिक्स। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट जैसे देखिए बेटा, मैंने एग्जाम व्यू को फोकस करते हुए कुछ बातें यहाँ पे बताई, हर एक क्लास में देखिए बेटा उस पॉइंट को, उस जो जो कुछ पढ़ाया जाने वाला यूनिट होता है उसको फोकस करते हुए एग्जाम व्यू और उसमें उससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पे फोकस करते हैं। तो देखिए बेटा, अभी हम यहाँ पे दूसरी स्लाइड यहाँ पे देखेंगे, तो दूसरे स्लाइड में एक्चुअली देखिए बेटा हमें क्या लर्न करना है कि कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम थोड़ा सा यहाँ पे अभी, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे देखिए बेटा, यहाँ पे अभी मैं पेंसिल लेना चाहूंगा, अभी इस पेंसिल के द्वारा मैं बताऊंगा, जैसे कि ऐसा पूछा जा सकता है, क्योंकि अपनी जो क्वेश्चन पेपर है अपनी ये एक्टिविटी बेस के ऊपर निर्भर होती है। जैसे कोई ऐसे ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे और हमें पूछा जाएगा ये वाला एक ऑब्जेक्ट होगा या दूसरा एक ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे पिक्चर दिए जाएंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए m1 मास है, इसका m2 है, इन दोनों में डिस्टेंस है एक, जैसे कि d कुछ तो डिस्टेंस है, तो इनमें काम करने वाला जो फोर्स होता है, अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, वो कितना मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन होगा। तो कितना मिलेगा बेटा, तो फॉर्मूला तो हमने डिराइव कर दिया है ऑलरेडी, f = मिला था ना फॉर्मूला, f = क्या मिला था, g into a m1 into a m2 upon क्या बेटा r² that is a d² here, ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे मिला था। थोड़ी देखिए बेटा, ये माउस से लिखते समय थोड़ी दिक्कत आती है, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। चलिए, तो ये फॉर्मूला मिला था। तो देखिए बेटा, एक्टिंग फोर्सेस में क्या मिलता है, जैसे कि f = ऑलरेडी g यहाँ पे कौन है बेटा, कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू है यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमें जब यहाँ पे मिलता है तो जैसे क्या मिल रहा है बेटा, 1/r² ऐसा यहाँ पे फोर्स मिलेगा ये दोनों ऑब्जेक्ट में। अभी हमें यहाँ पे एप्लीकेशन रूप में जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि इसका डिस्टेंस हमने कितना टाइम बढ़ाया बेटा, डिस्टेंस हमने 2 टाइम बढ़ाया है, तो क्या मिलेगा बेटा, जैसे डिस्टेंस हम 2 टाइम बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा, 1/ जैसे a, और यहाँ पे 2 टाइम डिस्टेंस बढ़ा इसलिए 2, ठीक है बेटा। और यहाँ पे r² ये वाला r² (2), ठीक है। तो इसके हमें प्रोडक्ट वैल्यू कितनी मिलती है बेटा, 1/4 मिलेगी, 1/4 मिलेगी। देखिए बेटा, कल के स्लाइड में हमने बताया था ये 1/4 टाइम ये क्या होगा बेटा, ये क्या हो रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पे 1/4 टाइम ये रिड्यूस होगा, है ना। चलिए, तो एक्चुअली यहाँ पे अभी डिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस होता है। जैसे अभी हम
डिस्टेंस हाफ कर लेते हैं तो कितना टाइम वो इंक्रीज होता है बेटा, 4 टाइम इंक्रीज होता है। देखिए ये हम कल हमने देखा था, लेकिन देखिए बेटा थ्योरेटिकल में देखा था, लेकिन अभी हमें सोचने के लिए मजबूर करने वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि कभी भी हम जैसे साइंस की स्टडी करते हैं या चैप्टर रीड करते हैं तो ध्यान दे के रीड करना है, केवल ऐसे अंग घुमाना या खाली ऐसे देखना ये रीड नहीं होता है। तो उसको समझ कर यस उसको जैसे एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, हर एक सेंटेंस में हमें एप्लीकेशन ढूंढना है वहां पे। ऐसे पढ़ाई करोगे तो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी, सहज होगा, लेकिन हर एक सेंटेंस में हमें ऐसे कुछ पढ़ने के लिए मिलता है साइंस में। तो थोड़ा सा बारीकी से या सही ढंग से उसे पढ़ना है, ठीक है बेटा। ऐसे सवाल या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो इसके बाद अभी अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। तो देखिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड में हम अभी देखेंगे बेटा, यहाँ पे हमें क्या देखना है नेक्स्ट स्लाइड में। तो कल हमने जो देखा था, तो कल हमने क्या देखा था कि एक्चुअली देखिए बेटा, कल हमने प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स को लेकर पढ़ा था, प्रॉपर्टी देखे थे। देखिए बेटा आज हम क्या देखते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, इसके लिए 2 मार्क। चलिए देखिए मैं यहाँ पे जो कुछ मैंने लिखा था वो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। चलिए तो देखिए बेटा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, प्रॉपर्टी कल पढ़े थे हमने, आज कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए बेटा, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे क्या मिलती है। तो देखिए बेटा जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, एक्टिंग फोर्स मैंने बेटा देखिए ये वाली फिगर यहाँ पे मैंने दर्शाई है। ये फिगर हमें जैसे हम न्यूटन्स के यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ को फॉलो करते हैं, लॉ के बारे में कुछ भी हम पढ़ते हैं तो ये फिगर हमें याद रखनी है। जैसे मैंने पहले वाली क्लास में बताया था कि केपलर्स लॉ में पढ़ते हैं तो केपलर्स लॉ पढ़ने के लिए एक फिगर बताई थी, वो हमें अक्सर याद रखनी है केपलर्स लॉ तक, ठीक है। जैसे न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ को हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये फिगर हमें याद करनी होगी। चलिए बेटा, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है दोनों ऑब्जेक्ट में, दोनों कोई भी दो चीजों में, तो ये फोर्स जो होता है एक्चुअली देखिए बेटा, दो बॉडी में हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट में हो सकता है, किसी भी दो चीजों में हो सकता है, एंड इट डज नॉट नीड्स एनी कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे इसको कॉन्टैक्ट, जैसे जैसे हमने पेड़ से आम तोड़ लिया तो देखिए बेटा हम उसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स यूज होता है। लेकिन क्या ये दो चीजें हमें देखिए बेटा पर जैसे आपस से बहुत दूरी बनाते हुए यहाँ पे कुछ डिस्टेंस के साथ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें कुछ हमें फोर्स कैन यू सीन इट, कैन यू ऑब्जर्व इट। देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट बनता है इसका, नहीं तो इसमें दोनों के बीच में कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं होता है, दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होता है, लेकिन फोर्स वहां पे अप्लाई करता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो कॉन्टैक्ट के बेस के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, लेकिन वो क्या एक्ट कर रहा है बेटा, इट एक्ट्स एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस देखिए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के ऊपर एक्ट करता है। जैसे डिस्टेंस कम हो तो अलग सा होगा, डिस्टेंस ज्यादा बड़ा तो वैरी होता है ना इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो देखिए बेटा ये हमें यहाँ पे मिलता है, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ने के लिए मिलती है। चलिए दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या बेटा, तो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ग्रेविटेशन फोर्स को देखेंगे। तो ग्रेविटेशन फोर्स इन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और बॉडी ऐसे वैरी होती है, किस कारण बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी कारण हेंस ग्रेविटेशन फोर्स इज अ इनवर्स स्क्वायर फोर्स, इनवर्स स्क्वायर फोर्स, देखिए अंडरलाइन कीजिए इनवर्स स्क्वायर फोर्स है। तो ये अलग सी सेकंड प्रॉपर्टी हमें दिखाई देती है। चलिए बेटा तीसरी प्रॉपर्टी, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है दो चीजों के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है बेटा, एक्चुअली वो क्या कर रहा है बेटा, एक्टिंग एंड रिएक्टिंग फोर्स है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है। देखिए बेटा जैसे यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए, ए वाली बॉडी और ए बी वाली बॉडी, ए बॉडी क्या कर रही है बेटा, हैविंग मास m1 इज ओके अप्लाइंग द f1 फोर्स, बी बी बॉडी हैविंग द मास m2 अप्लाई द f2 फोर्स। देखिए बेटा ये ए बॉडी बी की तरफ फोर्स f1 अप्लाई कर रही है और बी बॉडी ए की तरफ F2 फोर्स अप्लाई करती है, दैट इज एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बॉडी फोर्स
अट्रैक्ट करी, जैसे कि देखिए बेटा मीन्स इसका मतलब क्या बेटा, ए ऑब्जेक्ट, ए वाला ए ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट बी, एंड बी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, बी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ए। जैसे ए ऑब्जेक्ट इज व्हेन अट्रैक्ट्स टू बी दैट टाइम अप्लाई द फोर्स F1, एंड बी बॉडी अट्रैक्ट्स टू ई द अप्लाई द फोर्स F2। तो इसका मतलब होता है बेटा देखिए मिस्टर, बी अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट ए एंड ए अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट बी, इसका मतलब फोर्स F2 एंड फोर्स F1 एक कैसे लगातार कैसे एक्शन एंड रिएक्शन की तरह काम करते हैं। तो इसी कारण हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, F1 is equal to minus F2। देखिए बेटा F1 is equal to minus F2 एक्शन रिएक्शन, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसी तरह से देखिए बेटा इस क्लास में हमने आज क्या लर्न किया बेटा, आज हमने लर्न किया है यूनिट एंड वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, है ना बेटा। और इसके यूनिट्स लर्न करने के लिए हमने किस तरह से फिजिकल क्वांटिटी को लेकर उसके यूनिट कैसे डिसाइड किए हैं ये हमने ज्ञात किया। इसके बाद उसी फिजिकल मैग्नीट्यूड के जो प्राप्त यूनिट थे उसके मैग्नीट्यूड को लेकर हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, ठीक है। लेकिन इस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, उसका इन्वेंशन ऑलरेडी पहले ही हुआ वाला है, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे अभी वो स्टैंडर्ड है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे किसने दी वाली बेटा बताइए उसका नाम, हाँ दैट इज हेनरी कैवेडिश, इनके द्वारा वो वैल्यू देखिए कितनी है 6.67 × 10⁻¹¹। ये किसको कंसर्न है बेटा, -11 ये SI के लिए कंसर्न है, ठीक है बेटा। और 6.67 × 10⁻¹¹ ये किससे कंसर्न है बेटा, हाँ सीजेस से लिए कंसर्न है। तो देखिए बेटा इस तरह से हमने यहाँ पे आज देखा है, समझ में आता है। तो कल हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे, कोई डाउट हो तो जरूर यहाँ पे पूछना है, कोई प्रॉब्लम है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बेटा आज यहाँ पे हम रुकते हैं, तो थैंक यू।